क्या आप भी ब्लूटूथ हेडफोन लगाने के शौकीन हैं? अगर हाँ तो फिर आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि ड्राइविंग करते समय, रोड क्रॉस करते समय, ऑफिस में काम करते समय, जॉगिंग के समय या फिर किसी भी समय लोगों के कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगा होता है। लोग इसे लगाने के बाद ये समझते हैं कि चलो मेरा काम आसान हो गया, मोबाइल हाथ में नहीं है लेकिन काम हो रहा है। ऐसा सोचना ही आपको खतरे में डाल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने अपने कान में ब्लूटूथ हेडफोन लगाकर खतरे को बुलावा देना शुरू कर दिया है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय ब्लूटूथ हेडफोन की मार्केटिंग वैल्यू तेजी के साथ बढ़ रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर किसी के अंदर ब्लूटूथ हेडफोन को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। एक तो वायरलेस और दूसरा मोबाइल को हाथ में लेने का कोई झंझट नहीं, लेकिन इस छोटे से झंझट से बचने के लिए लोग हर दिन मौत के करीब चले जाते जा रहे हैं और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। मार्केट में अलग अलग तरह के नए एयरपॉड, ईयरबड्स और वायरलेस नेक बैंड आ रहे हैं। ये तमाम चीजें आपकी लाइफ को आपकी नजर में आसान तो बना रही हैं, लेकिन इनसे निकलने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाते हैं इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इस बात का खुलासा एक रिसर्च में हुआ है। रिसर्च में बताया गया है कि ब्लूटूथ ईयरबड का ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि लोगों के बीच तेजी से बढ़ते ब्लूटूथ ईयरबड को देखने के बाद अमेरिका की द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर जेरी फिलिप्स ने इस पर एक रिसर्च करने के लिए सोचा और जब रिसर्च करना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिसर्च में कहा गया है कि ब्लूटूथ या वायरलेस हेडफोन ब्रेन कैंसर को बढ़ावा देता है। ईयरबड से खतरनाक तरंगे निकलती हैं। ये खतरनाक तरंगे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है, न्यूरोलॉजिकल और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वायरलेस हेडफोन के ज्यादा इस्तेमाल से मेमोरी वीक हो जाती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार ब्लूटूथ या वायरलेस हेडफोन लगाने से कैंसर कैसे हो सकता है, लेकिन आप इसके पीछे की वजह जानकर हैरान हो जाएंगे या फिर आप अपने हेडफोन से दूरी बना लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की मदद से काम करता है। ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से ही फोन में कनेक्ट होता है। ब्लूटूथ हेडफोन पूरी तरह से वायरलेस होता है। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा निकलती है जो हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती है। बता दें जेरी फिलिप्स के रिसर्च से पहले करीब 42 देशों के 247 वैज्ञानिकों ने वायरलेस डिवाइस को लेकर चिंता जाहिर की और इससे निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को खतरनाक बताया था, जिसके बुरे प्रभाव के बारे में यूनाइटेड नेशन और WHO में याचिका दर्ज की गई थी। इसे लेकर वैज्ञानिकों का साफ साफ कहना है कि छोटे हेडफोन्स के रेडिएशन ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर हो सकता है। छोटे ईयरबड कान के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ब्लूटूथ से निकलने वाले रेडिएशन से बहरापन होता है। इसके रेडिएशन ब्रेन के लिए काफी खतरनाक होते हैं। बताते चले, तेज आवाज में गाने सुनने से आपके सुनने की क्षमता वक्त के साथ कम हो सकती है, क्योंकि ध्वनि हवा में कंपन से पैदा होती है और फिर ये कंपन हमारे कान के पर्दों पर पड़ते हैं, जिसके बाद हमें शब्द या संगीत सुनाई पड़ता है। जब आप हेडफोन पर तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो कान के पर्दों पर लगातार तेज प्रहार होता है और आप बाहर की आवाज नहीं सुन पाते। लगातार तेज आवाज में गाने सुनने से दिमाग तेज प्रहार को सहने की क्षमता विकसित कर लेता है, जिसके बाद धीमे प्रहार को कई बार दिमाग पढ़ नहीं पाता और आप सामान्य आवाज नहीं सुन पाते। दिमाग तक ध्वनि तरंग नर्व से पहुंचती है, जिसे कोचलियर नर्व कहते हैं। तेज गाने सुनने से इस नर्व को नुकसान पहुंचता है। दिमाग तक ध्वनि तरंगे ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती हैं। 75 डेसिबल से कम की आवाज कानों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। 85 डेसिबल से ऊपर की आवाज कानों के लिए हानिकारक है। हमारी आवाज का स्तर 55 से 60 डेसिबल होता है। इन तमाम बीमारियों के बीच में एक सवाल ये है कि खुद को इस रेडिएशन से कैसे बचाएं। अगर आपके सामने कोई बीमारी दस्तक दे रही है और वो भी ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमें मालूम नहीं, ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना अपने आप में एक चैलेंज है। साथ ही आज के समय में इन तमाम उपकरणों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस्तेमाल के साथ हम कुछ बातों का ख्याल तो जरूर रख सकते हैं। चलिए आपको उसी सावधानी के बारे में बताते हैं। वायर्ड वाले हेडफोन और स्पीकर का ज्यादा इस्तेमाल करें। फोन को थोड़ी दूरी पर रखकर ही बात करें। गैजेट्स को ज्यादातर शरीर से दूर रखें। सोते समय फोन अपने पास न रखें। अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन का ही इस्तेमाल करें। 60 मिनट से ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। उम्र के साथ साथ हमारे अंगों में भी कमजोरी आने लगती है। बुढ़ापे में हमारी मांसपेशियों, कोशिकाओं और हड्डियों में इतनी क्षमता नहीं रह जाती कि वो तेज प्रहार सह सके। ऐसे में अगर आप तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो इससे नसों पर भी दबाव पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है। कई बार इसकी वजह से व्यक्ति को दिल का दौरा भी पड़ सकता है, लेकिन इन तमाम चीजों से आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं।
इस खबर को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कब सावधानी बरत रही हैं।